सौरभ, वेरी नाइस वर्क, गुड जॉब. थैंक यू सर. बहुत अच्छे से आइडिया बताई आपने मेरे को. देखिए, जब किसी भी आप डेस्टिनेशन के बारे में जानते हैं तो आपको अपना नॉलेज मिलता है उस बारे में. आपको पता लगाना है मध्य प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं. बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं ये, इनको बड़े फोकसली करिए. आइटनरी को एक प्रॉपर तरीके से पढ़िए, क्यों फेमस है, क्या हुआ था, तब आपको वो आइटनरी याद रहेगी. अब जब भी कभी आप मध्य प्रदेश के बारे में बोलेंगे तो आपको ये सब बातें याद होंगी, बिकॉज आपने ये चीज़ों के फिल्म में आपने इनकी स्टोरी सुनी है, आपने इनकी हिस्ट्री पढ़ी है. देन यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल दिस थिंग्स. वेरी नाइस, गुड जॉब. यशमनप्रीत कौर, गोडक टामू और 1824982 अपना वीडियो ऑन करो. वीडियो क्यों ऑफ कर गया, चक्कर क्या है? माइक ऑन करो दोनों. यशमनप्रीत कौर, आपका इंटरनेट से अच्छा नहीं है. इसमें मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. बेटा आपका इंटरनेट अच्छा नहीं है, अपना कनेक्शन चेंज करो, कुछ भी करो, बट यू हैव टू चेंज योर कनेक्शन ना, क्योंकि आपकी आवाज ही कट कट के आ रही, सुनाई नहीं देगी हमारे को कुछ भी. गाइस, क्लासेस को रोज अटेंड करो. इट इज इम्पोर्टेंट दैट, तभी सिलेबस कवर होगा, अदरवाइज पता नहीं लगेगा. और एक चीज मैं और बता देता हूँ, चेयरमैन सर ने मंडे टू फ्राइडे जो बच्चा रेगुलर क्लासेस लगाएगा उसके बाद एक अपना वीडियो बना के भेजना है चित्रा मैम को कि माय नेम इज दिस, दिस इज माय रोल नंबर और मैंने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की है और आई एम हैप्पी फॉर माय ऑनलाइन क्लासेस. ये सब बना के वीडियो आपने चित्रा मैम को भेजना है, जिसका मंडे टू फ्राइडे ये कंप्लीट होगा, जिसका सब कुछ पूरा होगा, उस बच्चे को 500 रुपीज रिवॉर्ड मिलेगा. ये सोच लीजिए, 500 रुपीज, इट्स नॉट ए स्मॉल अमाउंट. और जो कल का जो टॉपिक है, कल जितने भी बच्चे हैं, कल की आइटनरी आप बनाओगे और आइटनरी आपकी कल होगी केरला के ऊपर. केरला की आइटनरी पढ़ के आना, 7 नाइट्स की आइटनरी केरला होगी. और क्योंकि अब मंडे टू पैसा कमाना, पैसा अगर लेना तो भैया क्लास लेनी पड़ेगी, क्लास लेनी पड़ेगी तो भैया फिर आप पढ़ना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि लगा के बैठ गए कि सर अटेंडेंस लग गई. नो, उसी को अटेंडेंस मार्क करूंगा जो पूरा सेशन अटेंड करेगा, ये सुन लेना. बीच में इंटरनेट की प्रॉब्लम हुई, कुछ भी हुआ, वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है. सर कितने डेज की केरला की है? 7 नाइट्स की आइटनरी बनानी है प्रॉपरली केरला की, और मुझको बताना है, पूरा डिस्क्राइब करना है कि कैसे कैसे, कौन कौन से पॉइंट, जैसे त्रिपाठी ने बताया है ऐसे प्रॉपर आइटनरी बतानी है कल. केरला बोल रहा हूँ फिर से मैं, केरला की आइटनरी है ये, केरला की आइटनरी फोकस करो सबके सब. यशमनप्रीत कौर, आपका इंटरनेट सही नहीं है बेटा, आप कुछ ना कुछ करके अपना इंटरनेट का जो भी आप लॉग इन करते हैं उसको चेंज करो, कुछ भी करो, या कुछ और फाइल से लॉग इन करो, बिकॉज योर इंटरनेट सही आते सब आपकी प्रॉब्लम आती है, तो आपके नेट में दिक्कत है. ओके ओके सर. 1824981 गोडक टामो, रेगुलरली क्लास अटेंड करो, अगर 500 रुपीज कमाना है तो उसके लिए पता पड़ेगा, यहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, ऐसे नहीं मिलने वाला. ये अटेंडेंस मैं मार्क करूंगा जिसकी फुल अटेंडेंस गई है. By tomorrow, we need Kerala itinerary proper, 7 nights, 8 days और proper itinerary बना के, चाहे pen copy से लिख लो, उसको मुझे बताओ, ऐसा कोई problem नहीं है. उन points को लिख लीजिए और एक itinerary को, जैसे कि सौरभ त्रिपाठी ने बताया है, इस itinerary को ऐसे represent कीजिए ताकि कुछ आपके दिमाग में भी पड़े कोई चीजें. क्लासेस को बेटा रेगुलर अटेंड करो, हमें अपना सिलेबस भी कवर करना है. So, अभी हमारा ऑलमोस्ट यूनिट तो सारे के सारे 3 यूनिट हम कर चुके हैं, ऑलमोस्ट लास्ट 4 यूनिट बचा हुआ है, स्टार्ट करेंगे. बट एवरीबॉडी शुड बी देयर, ज्वाइन द क्लास. बेबी लोशन नहीं होता है, देखिए आपको 500 रुपीज भी रिवॉर्ड में मिलेगा. देन व्हाई आर यू नॉट अटेंडिंग द क्लास? 1 घंटा ही तो है, साबुन डालते हैं यानी कि साबुन, बेबी लोशन घंटा है. एक हफ्ते में, एक मंथ में
चार वीक आते हैं, चार वीक में अगर आप 500 रुपीस भी कमाते हो एक मंथ में 2000 रुपीस क्लासेस को। या मैं तो बोल रही हूं व्हाट रॉन्ग विद दैट, 2000 रुपीस इज अ ह्यूज अमाउंट एक्चुअली, घर बैठे बैठे क्लासेस अटेंड करते हुए। ओके, आई नीड एवरीबॉडी, यस सर, एवरीबॉडी ज्वाइन द क्लासेस प्रॉपर्ली। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी आइटनरी को पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले उस कौन सी जगह की वो आइटनरी है, कौन सी स्टेज पे काम करती है, पहले उसके बारे में जानिए। सेकंड चीज, वहाँ पे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, उसके थ्रू पहुँचा जा सकता है, उसको नोट कीजिए। थर्ड चीज, आइटनरी कल्चर लैंग्वेज फूड क्या है, ये पता होना चाहिए। इस वेदर के लिए ये वाला डेस्टिनेशन अच्छा है, वेदर बताना चाहिए। शिवाजी फोकस ऑन इट, वेदर मैं अगर बोलूं बेस्ट टाइम टू विजिट टू मध्य प्रदेश, तो आप मुझे क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश मुझे कब घूमना चाहिए? समर के समय सर। ऐसा क्यों सर? फिर वहाँ पे उस समय मौसम बहुत अच्छा होता है सर, वो मतलब वहाँ पे मतलब जो सर व्यू होता है और भी सुंदर लगने लगता है सर, जो वहाँ के मतलब काफी अट्रैक्शंस होती है उस समय बहुत सुंदर। नहीं, समर में नहीं घूमना चाहिए, मध्य प्रदेश बहुत गर्म रहता है। सर मैंने पढ़ा नहीं था, मैक्सिमम डेस्टिनेशन समर में घूमते थे। जरूरी नहीं है, तुक्का नहीं मारना, प्रॉपर पढ़िए कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट मध्य प्रदेश। जो भी आइटनरी आप बनाने जा रहे हैं, आपको उसका प्रॉपरली एक पता होना चाहिए कि ये आइटनरी और इसका बेस्ट सीजन का टाइम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप आइटनरी को शुरू कीजिए। आप अपने आप को एज्यूम कीजिए कि आप घूमने गए हैं और आप फ्लाइट से गए हैं या ट्रेन से गए हैं, वहां से अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए कि मैं इस रेलवे स्टेशन पे उतरा और यहाँ से मैं आइटनरी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ से पहले होटल जा रहा हूँ, होटल के अंदर मैं यहाँ से कितना किलोमीटर होटल है वहां पे स्टे कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डेज में अपनी जो आपकी आइटनरी है उसको प्रॉपरली बोलिए कि टूडेज जो आज का आइटनरी का प्लान है वो ब्रेकफास्ट के बाद ये चीज चीज घूमनी है, फिर उसकी वहां से कितनी सिटी से कितना दूर है, हाउ फार इज देयर, डिस्टेंस कितना है, कितने घंटे लगेंगे, और कोई स्पेशल मॉन्यूमेंट्स है जो कि जैसे इन्होंने बताया त्रिपाठी ने कि बड़ा गणपति जी जो कि वर्ल्ड के सबसे बड़े गणपति हैं, गणेश भगवान की मूर्ति है वहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर, कि दैट्स वेरी नाइस। और वहाँ पे बहुत सारे टेंपल्स बताए गए हैं, बहुत रजवाड़ों का वो रहा है। मध्य प्रदेश इज सो ब्यूटीफुल प्लेस एक्चुअली, बहुत ज़्यादा इनबाउंड के लोग मध्य प्रदेश विजिट करते हैं। अभी इन्होंने अपना खुजराहो वाला पार्ट छोड़ दिया है, वो वाला अगर एरिया भी लो इसके अंदर अभी आपने सर वो फिर सर 20 days 25 days ऐसे पहुंचती सर अगर मैं सब कुछ लेता तो। ओझा ओझा करते हुए बहुत सारे वहां पे अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, हीरा और पन्ना की, हीरा एंड पन्ना, दैट्स ब्यूटीफुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उनको भी कवर कीजिए उसके अंदर। आइटनरी को एक बनाने का तरीका ये होता है कि उसके अंदर एक प्रॉपर पैटर्न चलता है। अपने आप एज्यूम कीजिए कि क्लाइंट पहले यहाँ पे, उसको बहुत लंबा लंबा ट्रैवल मत करवाओ, उसको देख के ट्रैवल करवाओ। और डिस्टेंस हमेशा याद रखिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने का डिस्टेंस और घुमाने का टाइम और कैसे कैसे वहाँ पे फिजिबिलिटीज हैं, इसको रखिए। और जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई वहाँ के हिस्टोरिकल प्लेस हैं, कोई ऐसी चीज है जो वहाँ पे बहुत आपको अट्रैक्ट करती है, उसके बारे में पढ़िए कि ये कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, कौन से मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं, ये मॉन्यूमेंट कौन सा है, यहाँ पे क्या हुआ था। जब आप इस पे रिसर्च करेंगे तो आपको आपकी आइटनरी के अंदर वो चीज याद रह जाएगी। आपको हर चीज भूल सकेगी लेकिन आपको वो चीज कभी नहीं भूलेगी जो आपने उसकी हिस्ट्री के साथ पढ़ी होगी, कि मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा गणपति का टेम्पल है, वो सबसे बड़ा है वर्ल्ड के अंदर, इट्स ऑलवेज शुड बी माइंड। तो जब भी आइटनरी को पढ़ो, जो फेमस प्लेसेस होते हैं, फेमस अट्रैक्शंस होती हैं, उसके बारे में जानिए कि एक्चुअली फेमस क्या है, क्यों इतनी फेमस है, ऐसा क्या है इसमें, तो वो एज ए हिस्ट्री और एज ए स्टोरी नरेटिंग आपको वो आपके दिमाग में आ जाती है चीज, तो वो हम चीज जल्दी पिक करते हैं। ठीक है गाइस, जिसको आइटनरी बनानी आती है
उसको सब कुछ बनाना आता है, उसको ट्रैवल एजेंसी के अंदर, ही शुड बी इन ट्रैवल एजेंसी, इज ए वेरी एक्सपर्ट, उसको मैं एक्सपर्ट मानता हूँ ट्रैवल एजेंसी के अंदर। सब्जेक्टिव के साथ साथ में आइटनरी मेकिंग का हम अपना ये कॉन्सेप्ट रखेंगे, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉलेज फॉर आर टूरिज्म इंडस्ट्री। आइटनरी मेकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री। वी शुड नो, हमें कम से कम 5-5 आइटनरी डोमेस्टिक और कम से कम 5 आइटनरीज इंटरनेशनल की आनी चाहिए। एटलीस्ट वेन एवर आई एम गोइंग टू अ जॉब, somebody is asking ki what do you think about, wahan pe practical chalta hai, wahan pe theory kuch nahi chalti always job mein. He can ask you, can you give me the itinerary for 3 nights or 4 days or 4 or 5 days? Yes, I know sir, I know 5 itineraries domestics and 5 itineraries international. Okay, which one? jo itinerary jahan aapko pati hai to unko lagta hai theek hai yaar, is bande ne mehnat kari hai, isko itinerary making aati hai, baki kaam to koi dikkat hi nahi hai. So that is the reason, attend the classes properly and I will help you how to make the itinerary properly. पहले आप आइटनरी बनाइए, फिर एक आइटनरी मैं बनाऊंगा एज ए सैंपल और मैं आपको बताऊंगा आइटनरी। सो उससे क्या होगा, हम दोनों के बीच में जो भी आइटनरी का जो गैपिंग रह जाएगी वो फिल हो जाएगी। ओके, सो क्लास अटेंड करो प्रॉपरली एंड आई बिलीव एवरीबॉडी शुड बी कम और 500 का रिवॉर्ड जीतिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, वी सी यू टुमारो। थैंक यू सर।